ही गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट. माई सेल्फ ऋषिका, और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वीज एंड आईएस की करेंट अफेयर्स. ये आपकी सितंबर मंथ की करेंट अफेयर्स है और यहाँ पे मैं इथिक्स सेक्शन को कंप्लीट करूँगी. इससे पहले मैं बता दूँ कि मैं अन अकेडमी में भी एज एन एजुकेटर वहाँ जोग्राफी कंप्लीट करती हूँ विद द हेल्प ऑफ मैप. मैं यहाँ इंडियन और वर्ल्ड जोग्राफी को बहुत ही ईजिएस्ट और सिंपलेस्ट वे में कवर करती हूँ मैप के थ्रू से. और रिलेटेड टॉपिक्स में आपको MCQs भी दिखेंगे, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में. तो आप या तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके मुझे ऋषिका नाम के प्रोफाइल से फॉलो कर सकते हो, या तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर लेना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब स्टार्ट करते हैं इथिक्स के फर्स्ट टॉपिक से. ये है आपका कोड ऑफ कंडक्ट फॉर MLAs एंड MPs. MPs होते हैं आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLAs होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स को बुलाया था क्योंकि उनकी जो बिहेवियर थी लेजिस्लेचर के अंदर और बाहर वो कहीं ना कहीं मिसबिहेव टाइप की थी. तो अब समझते हैं कि ये लेजिस्लेटिव कोड ऑफ कंडक्ट होती क्या है. ये लेजिस्लेटिव कोड ऑफ कंडक्ट एक आपका फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि रेगुलेट करता है लेजिस्लेटर के बिहेवियर को, और इसमें आपका इस्टेब्लिश करके ये कंसिडर किया जाता है कि कौन सी जो बिहेवियर है वो एक्सेप्टेबल है और कौन सी नहीं. अगर दूसरे शब्दों में समझे तो इसमें क्या है कि पॉलिटिकल कल्चर को प्रमोट किया जाता है जिसमें आपका कंसिडर किया जाता है प्रोपेरिटी, करेक्टनेस, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और पार्लियामेंट्रियन बिहेवियर. एक फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि आपका कुछ कुछ कंट्रीज़ के द्वारा अडॉप्ट किया गया है. उसमें आपके जर्मनी है, इसराइल, जापान, UK, USA है, लेकिन इंडिया के पास एक कस्टमरी कोड ऑफ कंडक्ट है. अब इसकी पर्पस समझते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट की पर्पस क्या होती है. इसकी पर्पस है कि एक पब्लिक स्टैंडर्ड सेट करना जिससे कि जो भी पार्लियामेंटेरियन है उनके बिहेवियर को असिस्ट करना. दूसरा है कि एक आपके बेसिस को प्रोवाइड कर किया जाता है जिसके थ्रू जो भी प्रपोज्ड एक्शन है और गाइड बिहेवियर है उसको असिस्ट करना. इसमें आपका प्रोवाइड किया जाता है एक एग्रीड फाउंडेशन जिसमें कि जो भी आपका बिहेवियर होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर का जो भी बिहेवियर होता है वो अनएक्सेप्टेबल हो सके. ओके, दूसरा है कि एश्योर किया जाता है और री एश्योर करने की कोशिश की जाती है कम्युनिटी को कि जो भी ट्रस्ट है पार्लियामेंटेरियन के ऊपर वो बनाए रख रहे, इसलिए जो है कोड ऑफ कंडक्ट यूज़ होता है. तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कैसे मेंटेन किया जाता है पूरे वर्ल्ड में. ओके, तो पहला अप्रोच है इसमें, इसमें आपका तीन अप्रोच है. तो पहला अप्रोच समझते हैं. तो फर्स्ट अप्रोच में एक आपका कोड का इंश्योरिंग बनाया जाता है, मींस लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क होती है जो कि आपका एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी को इस्टेब्लिश किया जाता है लेजिस्लेचर के बाहर. इसमें क्या होता है कि अगर आपने कोड का ब्रीच किया, यानी आपने लॉ का ब्रीच किया, कोड होता है एक सेट ऑफ रूल्स. ओके, तो अगर आप पार्लियामेंट के रूल्स को या कोड को आप ब्रीच करते हो, उसके अगेंस्ट में जाते हो, तो इट मीन्स कि आपने लॉ के अगेंस्ट में गए हो. ओके, और सेकेंड अप्रोच कहता है कि यहाँ पे एक बॉडी को इस्टेब्लिश किया जाता है लेजिस्लेचर के अंदर जो कि आपका जो भी मेंबर होते हैं जिनके ऊपर ये कंडक्ट लगता है उनके लिए ये बॉडी जो है सेटअप की जाती है. जैसे कि मान लो कि आपका एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है या फिर इंडिपेंडेंट आपका पार्लियामेंट्री कमिश्नर होती है, तो इसी तरीके से एक बॉडी सेटअप किया जाता है और इस तरीके की बॉडी जो है लेजिस्लेचर को रिपोर्ट करती है उस मेंबर के बारे में. और इस तरीके की जो अप्रोच है ये यूनाइटेड किंगडम में भी, यानी UK में भी ये अडॉप्ट किया गया है. थर्ड अप्रोच के बारे में समझते हैं. यहाँ पे एक डिटेल सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस दिया जाता है और ये इसको मेंटेन करने की बात की जाती है लोकसभा और राज्यसभा में. हर हाउस के पास एक अपना कोड ऑफ ऑफिशियल कंडक्ट होता है मेंबर्स के लिए और स्टाफ्स के लिए, और हर हाउस जो है एक एथिक्स कमेटी होती है एक हर एक हाउस में, यानी आपके लोकसभा और राज्यसभा में एक एथिक्स कमेटी होती है जो कि आपका इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से वो ऑपरेट होती है, लेकिन जो कमेटी होती है वो आपका प्रोवाइड करेगी एडवाइजरी रूलिंग और वो जुरिस्डिक्शन भी करती है मेंबर के ऊपर और जो भी हाउस के ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर. और ये जो आपकी कमेटी होती है वो इन्वेस्टिगेट भी करती है जो भी इम्प्रॉपर अगर कंडक्ट किसी के ऊपर एलिगेशन लगा है तो उनका भी ये इन्वेस्टिगेट करती है और ये सैंक्शन भी इम्पोज करती है. और इस तरीके की अप्रोच जो है US कांग्रेस में फॉलोड की जाती है. यानी जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें तीन अप्रोच है. तो इसमें से सेकेंड अप्रोच जो है वो आपके UK में फॉलोड की जाती है, लेकिन जो थर्ड अप्रोच है वहाँ आपके US में फॉलोड की जाती है. यानी पहला क्या है कि आपका एक कोड एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है पहले अप्रोच में, वहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने कोड को ब्रीच किया है यानी आपने लॉ को ब्रीच किया है. सेकेंड में क्या होता है कि लेजिस्लेचर के अंदर एक बॉडी बनाई जाती है जो कि जिस भी मेंबर के ऊपर ये कंडक्ट लगती है, मींस उनके बिहेवियर के ऊपर, जब उनके ऊपर ये कंडक्ट लगती है कि हाँ इस मेंबर ने
अच्छे से बिहेव नहीं किया है, कहीं ना कहीं ये मिसबिहेव किए हैं, तो उनके ऊपर क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंटली पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनाई जाती है। थर्ड क्या है कि जो भी सेट ऑफ रूल्स है वो हर एक हाउस में गाइड किया जाता है, हर एक हाउस में मेंटेन किया जाता है। अगर कोई मेंबर मेंटेन नहीं करता है तो उसके लिए क्या है कि कमेटी जो है, एक आपका एक कमेटी फॉर्म होता है और उस कमेटी में इन्वेस्टिगेशन करने की भी उसको पावर है, वो आपका सैंक्शन भी करता है, वो आपके अगर गलत आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं किसी कंडक्ट के लिए तो वो भी वो इन्वेस्टिगेट करता है। तो ये तीन आपका अप्रोच है। अब समझते कि इंडिया में प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। एक कोड जो है आपके यूनियन मिनिस्टर्स में, यूनियन मिनिस्टर का, वो अडॉप्ट किया गया था 1964 में, और जो स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट है वो एडवाइस किए थे इसको अडॉप्ट करने के लिए भी। लेकिन जो पार्लियामेंट्री आपकी स्टैंडिंग कमेटी है इथिक्स में, वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था आपके दोनों हाउस में 1997 में, और जो कोड ऑफ कंडक्ट है राज्यसभा के मेंबर के लिए वो फोर्स में लाया गया था 2005 में, और ऐसा कोई कोड नहीं है आपका लोकसभा के लिए। ओके, तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है आज के डेट में, प्रेजेंट डे में, वो सिर्फ हमारे राज्यसभा के मेंबर के लिए ही है। तो राज्यसभा के जो मेंबर है उनके लिए कोड में क्या है, तो राज्यसभा जो है वो 14 पॉइंट्स जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो फॉलोड करते हैं 2005 से। तो इसमें क्या है कि अगर मान लो कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इंटरेस्ट में, तो जो प्राइवेट इंटरेस्ट होती है मेंबर्स की, वो हमेशा आपका पब्लिक ऑफिस के ड्यूटीज़ को सबऑर्डिनेट करेगा। फिर आगे है उसमें कि मेंबर्स जो होते हैं उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है कि जो भी वोट का बेनिफिट मिले। ओके, तो वोट का जो बेनिफिट दिया जाता है या फिर नहीं भी दिया जाता है, तो उनको एक्सेप्ट नहीं करना है। और किस लिए, जो बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए जब वोटिंग करते हैं ना, जब टाई अप हो जाता है, या फिर जो वोट को पास करने के लिए, जो बिल को पास करने के लिए जो वोट देते हैं, तो अगर उस वोट में किसी भी मेंबर को उसका बेनिफिट नहीं लेना है। लेकिन अब देखते हैं कि कोड लोकसभा में क्या है। तो फर्स्ट जो इथिक्स आपका कमेटी बना था लोकसभा में, वो 2000 में बना था, और जो रिपोर्ट दी गई थी इथिक्स कमेटी के द्वारा, वो हेड किया जा रहा था एलके आडवाणी जी के द्वारा, और ये आपका लोकसभा में रखा गया था 2014 में, और उसमें कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी। जो इथिक्स कमेटी है वो फॉर्मुलेट करती है आपकी कोड ऑफ कंडक्ट मेंबर्स के लिए, और ये सजेस्ट करती है अमेंडमेंट कोड ऑफ कंडक्ट में टाइम टू टाइम। ओके, अकॉर्डिंग टू द टाइम यहाँ आपका अमेंडमेंट होते रहता है कोड ऑफ कंडक्ट में। लेकिन फिर भी जो रूल्स कमेटी है जिसको स्पीकर हेड करते हैं लोकसभा के, वो चाहते हैं कि कुछ हमारे यूएस कांग्रेस का जो स्टाइल है उसको अडॉप्ट करना। जैसे जो इंफॉर्मेशन ऑफर्ड किए जाते हैं कंप्लेन के जैसा इंडिविजुअल के द्वारा, तो वो जो है आपके हाउस के मेंबर्स का जो है वो ट्रांसमिट होना चाहिए एथिकल कमेटी को, ना कि आपके हाउस के मेंबर को। ओके, जो सर्टिफाइज है उनको नहीं ये सबमिट करना चाहिए। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट हो आपके गुड फेथ के लिए, और जो भी आपके कमेटी को कंसिड्रेशन के लिए इसको वारंट देना चाहिए। और जो रिकमेंडेशन है वो अभी तक अडॉप्ट नहीं किया गया है, और इसलिए यहाँ पे कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है लोकसभा के मेंबर के लिए। ओके, अब समझते हैं कि वाई देयर शुड बी स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट इन इंडिया। स्ट्रिक्ट क्यों है कोड ऑफ कंडक्ट इन इंडिया, इसको स्ट्रिक्ट क्यों करना चाहिए। तो पहला समझते हैं कि रूल्स ऑफ कंडक्ट जो है पार्लियामेंट का, वो एडिक्वेट नहीं है, यानी वो पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं होता है, या पूरी तरीके से वो कंप्लीट नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपका लिमिटेड है पेपर बॉल्स में प्रोटेस्ट करने के लिए, या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसको टीयर अप करने के लिए, या जो भी आपके हाउस में रशिंग हो रही है, या फिर आपका जो लॉबी में लाफिंग हो रही है उसके अगेंस्ट के लिए। तो ये पूरी तरीके से एडिक्वेट नहीं है आपका कोड ऑफ कंडक्ट, ये लिमिटेड है। लेकिन फिर देखते हैं कि जब इंगेज किया जाता है डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ में, एमएलए और एमपीज़ जो है वो शेल्टर सीक करते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। हमारे एमपीज़ और एमएलए को कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दी गई है, तो उनका भी ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव आपका कोड ऑफ सम मीन्स जो एमपीज़ और एमएलए के लिए है, वो कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है हाउस के अकॉर्डिंग। तो बहुत सारे मेम्बर्स जो है इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, और वो कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत ज़्यादा डिस्कोर्स ऑफ द हाउस के लिए। अब वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो एक आपका की एलिमेंट है एस्टैब्लिश करने के लिए एथिकल रिजीम को, और जो कि बहुत ज़रूरी है आपका पब्लिक कॉन्फिडेंस को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पब्लिक ऑफिस में और इंस्टीट्यूशन में। क्योंकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आपके कुछ कीज़ को होल्ड करते हैं, जैसे गुड पीपल होना चाहिए, सेंटर्ड गवर्नेंस होनी चाहिए। तो जो रूल्स है हमारे गेम का, इसको गेम ही कहा गया है जिसको क्वालिफाई किया जाता है, उनका सिर्फ एक ही एकमात्र गोल होना चाहिए। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है आपका गुड मिनिस्ट्री के द्वारा
गुड कंडक्ट मीन्स कुछ अच्छे काम किए जाने के लिए, तो इसलिए ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होना चाहिए इसके कवरेज में। और इसमें जो है आपके इस नेचर को पूरी करने के लिए पूरी तरीके से इसमें ज़्यादा आपका प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए। तो इसमें सिंपली यही बताया गया, जो कोड ऑफ एथिक्स है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपके 7 प्रिंसिपल्स जो कि पब्लिक लाइफ के लिए होता है, जैसे आपका सेल्फिशनेस है, इंटीग्रिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, अकाउंटेबिलिटी है, ओपननेस है, ऑनेस्टी है, लीडरशिप है। तो जब भी आप एथिक्स के पेपर 4 को लिखते हो तो वहाँ पे आप ये 7 प्रिंसिपल लिख सकते हो, क्योंकि ये पब्लिक लाइफ के बेसिक 7 प्रिंसिपल हैं जो कोड ऑफ एथिक्स में आते हैं। ये आप अंडरलाइन कर लो, सेल्फिशनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी और लीडरशिप। ओके, तो इस बार भी आप देखे होगे मेंस का 2018 का पेपर, वहाँ पे आपका कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लो। और एथिक्स की ये सारी जो करेंट की टॉपिक है आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, बस आपको ये विजन आइज़ के करेंट अफेयर्स में मिलती है। तो इसीलिए इस लेसन को तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करो, चाहे कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपकी न्यूज़पेपर से या किसी और मैगज़ीन में कवर हो जाएगी, लेकिन जो एथिक्स की टॉपिक की जो यहाँ पे कवर होती है ना, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इसलिए इसको तो मस्ट हैव रखना ही है। ओके, इसको मस्ट हैव आपको रीड करना ही है। तो इस बार जो है सितंबर मंथ में एथिक्स में सिर्फ एक ही टॉपिक थी, हर बार आपका 1 से 2 या 3 टॉपिक दिखती है, लेकिन इस बार आपकी एक ही टॉपिक थी, क्योंकि ये आपकी एकदम करेंट टॉपिक थी और बहुत ज़्यादा ही इसमें घमासान हुआ था कोड ऑफ कंडक्ट को लेके, तो इसलिए आपको इसको ध्यान पे रखना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एथिक्स सेक्शन। तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और फेसबुक में भी रिसोर्स पॉइंट के नाम से पेज को फॉलो कर सकते हो। ओके, और इफ़ यू लाइक दिस लेसन देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।